रॉकी, रॉकी मुझे छोड़ो। क्यों? बहुत शौक है ना तुझे शान पट्टी दिखाने का? अब दिखा, दिखा ना। रॉकी, रॉकी प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। हेल्प, हेल्प, प्लीज हेल्प। ए चुप, चुप। हैप्पी की बेबसी, रॉकी का कहर, हैप्पी की लाचारी, रॉकी बना अत्याचारी। भाई रॉकी ने तो हद ही कर दी सितम ढाने की। बेचारी हैप्पी पर गिन गिन कर अत्याचार कर रहा है, उसकी आबरू के साथ खेलने का नाटक कर उसे डरा रहा है, धमका रहा है। क्योंकि हैप्पी का प्लान है ना कि हमारे घर में आए, पैसे लूटे और सब कब्जा कर ले चिंटू भाई के थ्रू। ऐसा थोड़ी ना होने देंगे हम तो। लेकिन जितना इतना मैं कोशिश करता हूँ कि इसे पीछे छुड़ाऊँ, उतना घूम फिर के आ जाती है ये। पर इस बार मैंने ऐसा प्लान सेट किया है ना हैप्पी का, ये गायब ही हो जानी है। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है रॉकी। हैप्पी के बारे में बिना कुछ जाने उस पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। वैसे रॉकी की इस करतूत में उसकी बीजी भी साथ दे रही है। एक पल के लिए हैप्पी को तो लगा था कि बीजी उसकी मदद करेंगी, लेकिन बीजी की बातें सुनकर हैप्पी का दिल टूट गया। हाँ, ये रॉकी जो है ना बड़ी बदमाशी कर रहा है और बीजी भी आके उसको सपोर्ट कर रही है। तो क्या है कि सबको इनको लगता है कि अभी वो दर्द है ना, गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। तो अभी वो गलतफहमी में सब, अब रॉकी को कौन समझाएगा? वो दिल का बहुत अच्छा है, थोड़ा स्पर ऑफ अ मोमेंट में हर चीज़ कर लेता है, जोश में हर चीज़ कर लेता है, बट अदरवाइज ही इज नॉट अ बैड बॉय। अरे बीजी, प्यार की शुरुआत तो नफरत से ही होती है। आगे आगे देखते जाइए कि कैसे रॉकी की ये नफरत हैप्पी के लिए प्यार में बदलेगी। आज तक ब्यूरो।